भले ही राजनीति की दिशा उन्हें अपने घर आंगन में सीखने को मिली हो, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से खूब तारीफें बटोरी और युवाओं की प्रेरणा बन गए। इस युवा नेता का नाम कुछ और नहीं बल्कि अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर का जन्म 24 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में हुआ। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले राजनीतिज्ञ और अनुराग पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। अनुराग ने अपनी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा जालंधर से पूरी की। उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, सफर करना, पुराने हिंदी गीत सुनना और क्रिकेट खेलना पसंद है। अनुराग ठाकुर ने 14 साल की उम्र में अपना क्रिकेट करियर शुरू किया। उन्हें दिल्ली और पटियाला में इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 टीम के लिए सेलेक्ट किया गया। वो पंजाब अंडर 19 क्रिकेट टीम और ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीतने वाली नॉर्थ जोन अंडर 19 टीम के कप्तान थे। क्रिकेट के लिए उनका जुनून धर्मशाला में स्थित सुरम्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के रूप में देखा जा सकता है। उनके खेल के प्रति लगाव होने की वजह से ही हिमाचल प्रदेश में खेल के मैदानों और खेल सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। 25 साल की उम्र में अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। 2001 में वो भारतीय जूनियर क्रिकेट टीम के चयनकर्ता बने थे। क्रिकेट की दुनिया से निकलकर वो राष्ट्रीय राजनीति में आए। मई 2008 में लोकसभा चुनाव में वो हमीरपुर से पहली बार लोकसभा सदस्य बने। इसके बाद 2009 में दूसरी बार उन्हें लोकसभा सदस्यों के रूप में चुना गया। अनुराग ठाकुर भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वप्रथम 2010 में नियुक्त हुए। 2011 में सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद का पुरस्कार वो अपने नाम कर चुके हैं और साल 2013 में इस मोर्चे के दूसरे कार्यकाल में फिर नियुक्त होने वाले इतिहास में पहले नेता बने। उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर का सम्मान भी मिल चुका है और वो दुनिया के बेस्ट बिजनेस न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स की 25 इंडियंस टू वॉच 25 इंडियंस टू वॉच की सूची में भी शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान एक सर्वे में उन्हें भारत के सभी सांसदों में देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ सांसद बताया गया। साथ ही अनुराग ठाकुर के जमीनी स्तर पर किए गए कामों की खूब तारीफ की गई। इंडिया टुडे ग्रुप के सर्वे ने उन्हें संसद में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देश के टॉप 10 सांसदों में यानी भारत में 8वें और हिमाचल में पहले स्थान पर जगह दी गई। अनुराग ठाकुर अपने काम को लेकर कितने सिंसियर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद में उनकी अटेंडेंस 85% रही है। उन्होंने 72 संसदीय बहसों में हिस्सा लिया और 612 सवाल पूछे। उनका ये संसदीय प्रदर्शन युवा सांसदों में सबसे बेहतर रहा है। उन्होंने संसद में राष्ट्रहित के कई मुद्दे उठाए जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। अनुराग ने रेल बजट 2013 के बहस में विपक्षी दलों की ओर से बहस की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्हें काले धन के मुद्दे पर संसद में बहस में लालकृष्ण आडवाणी के अलावा एकमात्र वक्ता होने का सौभाग्य प्राप्त है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, रखरखाव, नई ट्रेनों की शुरुआत और रेल लिंक के विस्तार, तकनीकी संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की शुरुआत, हिमालयी राज्यों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन के मुद्दों को तत्परता और प्रभावशाली ढंग से उठाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो हमीरपुर से सांसद बनने की हैट्रिक लगा चुके हैं। राजनीति के अलावा अनुराग खेलों से भी जुड़े हुए हैं और वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। वो भारत के युवा सांसदों में एक हैं। इतना ही नहीं, उन्हें नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में से एक कहा गया है। अनुराग सामाजिक सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अनुराग ठाकुर ऑनर अवर विमेन के संस्थापक हैं। ये फाउंडेशन सेमिनार, नुक्कड़ नाटकों, सिविल सोसाइटी की भागीदारी, मशहूर हस्तियों, पत्रकारों और सांसदों के माध्यम से महिलाओं के मुद्दे, सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करने का काम करता है। अनुराग ने हिमाचल प्रदेश में अपने चुनाव क्षेत्र हमीरपुर के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। अनुराग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि राज्य के साथ साथ राज्य से बाहर भी विभिन्न संगठनों के माध्यम से सुविधा दिलाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं।